Hello learners, my name is Mayur Bagarwal. Today we are going to study share capital of a company. As in our previous lecture, we have discussed company accounting, features of company accounting and what are different forms of companies. In today's lecture, we will discuss share capital. जैसे कि हम लोगों ने previous class में देखा था कि company क्या होती है, कंपनी के फॉर्म्स क्या होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंपनीज हमने देखा था. इसमें हम देखेंगे कि हमने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी कि जितने भी जो भी अमाउंट ऑफ कैपिटल है, मनी है, उसको हमने डिफरेंट फॉर्म कॉल्ड शेयर्स में हमने क्या किया था, उसको सेग्रीगेट किया था. जैसे कि हम जानते हैं कि कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ पीपल्स क्या करते हैं, पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं फॉर अ कॉमन पर्पस, एक किसी कॉमन पर्पस के लिए. इट मे बी देयर कैपिटल एप्रिसिएशन, उनका मेन मकसद कैपिटल एप्रिसिएशन भी हो सकता है और कोई भी फंक्शन हो सकता है. तो दे कंट्रीब्यूट देयर मनी, अपना पैसा क्या करते हैं, वो कंट्रीब्यूट करते हैं एक पर्टिकुलर कंपनी में. और देट हाँ, उस कितना अमाउंट हमको पैसा इकट्ठा करना है और उस सारे पैसे को हम कैसे उन सारे पर्संस में डिवाइड करेंगे, देन वी टेक द कॉन्सेप्ट ऑफ शेयर कैपिटल. शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी मीन बींग एन आर्टिफिशियल पर्सन कैन नॉट जनरेट इट्स ओन कैपिटल. जैसे कि हम लोग जानते हैं कंपनी क्या है, अपने आप में एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि क्रिएटेड बाई लॉ है. अपना पैसा खुद तो इकट्ठा कर पाएगी नहीं, तो क्या करेगी वह, इट कलेक्ट्स फ्रॉम सेवरल पीपल्स, और बहुत सारे लोगों से क्या करेगी, अपने कैपिटल का जनरेशन करेगी. तो इट विल ऑल्सो पे और रिटर्न दैट मनी टू देयर शेयर होल्डर इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंट और इंटरेस्ट. If they generate that money from with the help of debentures, then it will pay that amount with the help of principal amount or interest. So when we are talking about share capital, so share capital is just that amount which that company generate from different peoples. तो जैसे कि हमने देखा कि शेयर कैपिटल, हम जो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं वो कितना पैसा हम इकट्ठा कर रहे हैं, दो दिस शेयर कैपिटल हैज़ बीन ऑलरेडी बीन, कितना पैसा हमने इकट्ठा करना है, कितना पैसा कंपनी को चाहिए, इट हैज़ बीन ऑलरेडी बीन मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज एन स्टेटमेंट और रूल बुक वेयर इट शोज दैट हाउ मच मनी इज बीन जनरेटेड विद द हेल्प ऑफ शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर्स और डिवेंचर्स. If we are collecting that amount or share capital with the help of shares, shares are the small portion of the entire capital. Entire capital, जितना भी पैसा, suppose that एक company को 10 crore rupees की ज़रूरत है और उसने क्या कर दिया है, उस सारे 10 crore rupees को small small parts में क्या कर दिया है, divide कर दिया है. Suppose that उसने 100 rupees का एक share बना दिया है. अब क्या कर रहा है वो 10 lakh rupees divided by, अगर 100 करेंगे तो हमको number of shares हमें क्या मिल जाएंगे, number of shares मिल जाएंगे. अब हमने उस share capital को different different forms में क्या कर रखा है, divide कर रखा है. First one is your authorized capital. Authorized capital means the entire, the maximum amount of money which a company can generate from the public. That amount is called authorized capital. That amount is also been shown in our articles of association. This is the maximum amount which we can generate from the public. So the entire capital or share capital has been divided into different parts. जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया कि ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है, वो अमाउंट है जिसको एक कंपनी मैक्सिमम पब्लिक से जनरेट कर सकती है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड ऑथोराइज्ड कैपिटल. कैन नॉट कलेक्ट ऑल द मनी, कंपनी कैन नॉट कलेक्ट ऑल द मनी एट वन टाइम. सो इट हैव डिफरेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स, अकॉर्डिंग टू इट्स प्रोस्पेक्टिव्स इट डिवाइड और कलेक्ट मनी फ्रॉम द पब्लिक. सो द फर्स्ट we divide this authorized capital into different form. First is your issued capital. Issued capital means that portion of authorized capital which we issued for public subscription. Though we can collect money with the help of IPO, initial public offer. With the help of initial public offer, company firstly issue its application to the public or अपनी कंपनी के जो प्रोस्पेक्ट्स होती हैं वो पब्लिक को बताती है. जो पर्सन उसमें इंटरेस्टेड होता है, उस इशू जो इशूड उसने, जो कैपिटल कंपनी ने इशू कर रखी है कैपिटल और जो सब्सक्रिप्शन मार्केट में इशू कर रखा है, दैट पर्सन विल, इफ दे दैट पर्सन विल इंटरेस्ट, गेट इंटरेस्ट ऑन दैट, देन दैट इशूड कैपिटल बीन सब्सक्राइब्ड बाई दैट पीपल. जो भी पर्सन उस
आइडिया में क्या हो रहा है, इंटरेस्टेड हो रहा है, देन ओनली दैट पर्सन विल सब्सक्राइब दैट शेयर. द इफ ऑल द सपोज दैट द कंपनी इज इशूइंग 1 लाख शेयर्स, अगर कंपनी क्या कर रही है 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है, जरूरी नहीं है कि सारे शेयर्स पब्लिक के द्वारा उस सारे शेयर्स को अप्लाई किया जाए. ठीक है ना, उस सारे 1 लाख शेयर्स को ही अगर सारे शेयर्स को अप्लाई सब्सक्राइब कर लिया जाता है, देन वी कैन कॉल दैट इंटायर अमाउंट एज सब्सक्राइब्ड कैपिटल. अगर 1 लाख शेयर्स कंपनी ने मार्केट में इशू कर रखे हैं और सारे के सारे शेयर्स पब्लिक ने क्या कर लिया है, सब्सक्राइब्ड कर लिए हैं, देन दैट अमाउंट विच इज कलेक्टेड बाय विद द हेल्प ऑफ दैट इशूड कैपिटल इज कॉल्ड सब्सक्राइब्ड कैपिटल. देयर मे बी ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन. ओवर सब्सक्रिप्शन मतलब सपोज दैट हमने 1 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मार्केट में अलॉट की थी कंपनी ने, बट शेयर्स हमारे पास आ गए हैं 1,20,000 के, तो एक्स्ट्रा जो 20,000 आ गए हैं दैट 20,000 इज कॉल्ड ओवर सब्सक्रिप्शन. बट नेक्स्ट केस, अगर हमने 1 लाख शेयर्स मार्केट में इशू कर रखे हैं और हमारे जो एप्लीकेशन आई हैं सपोज दैट वो 80,000 के लिए आई हैं, देन दैट केस इज अंडर सब्सक्रिप्शन. अंडर सब्सक्रिप्शन मतलब हमें तो मार्केट में कितने शेयर्स को फुलफिल करने के लिए जो हमने इशू हमने मार्केट में लाए थे उसको कितने शेयर्स चाहिए थे, 1 लाख शेयर्स चाहिए थे, बट आए एप्लीकेशन कितने के लिए हैं, 80,000 के थे, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन. अब हमने सपोज दैट मार्केट में इशू कर दिया है कैपिटल, उसमें से भी हमने कितना कॉल्ड अप कर रखा है. सपोज दैट हमने 1 लाख शेयर्स को मार्केट में इशू किया था, उसकी फेस वैल्यू सपोज दैट हमने 10 रुपीज़ रखी है. ठीक है, तो मैक्सिमम हम 10 लाख रुपीज़, अगर हम पूरा पैसा एक साथ मंगवा लेंगे 1 लाख × 10 रुपीज़, तो मैक्सिमम हमको 10 लाख रुपीज़ हम मार्केट से भी क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं. बट अगर कंपनी उसमें से सिर्फ 5 रुपीज़ ही कॉल्ड अप कर रही है, सिर्फ 5 रुपये ही अपने शेयर होल्डर्स जितने जिन लोगों ने उस शेयर्स को क्या कर रखे हैं, सब्सक्राइब कर रखे हैं, उनसे सिर्फ 5 रुपये ही मंगा रही है फर्स्ट टाइम, और 5 रुपये अपने फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव्स के लिए रख रही है, इन फ्यूचर जब उनको पैसे की ज़रूरत होगी तब कंपनी उनसे पैसा मंगवाएगी. एट प्रेजेंटली एप्लीकेशन के टाइम सिर्फ 5 रुपीज़ ही कॉल कर रही है, दैट अमाउंट विच इज बीन कॉल्ड बाई द कंपनी इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल. ठीक है नहीं, अगर वो पूरे 1 लाख रुपीज़ में 5 रुपीज़ हमें मिल जाते हैं, देन दो हमको कितने रुपीज़ मिल रहा है, 5 लाख रुपीज़ मिल रहा है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल. एंड पेड अप कैपिटल, अगर शेयर होल्डर्स ने वो 5 रुपये पूरा दे दिया है 1 लाख रुपीज़ में, तो दैट अमाउंट 5 लाख रुपीज़ इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल, क्योंकि शेयर होल्डर ने वो 5 लाख रुपीज़ क्या कर दिया है, पूरा 5 लाख रुपीज़ कंपनी के पास दे दिया है इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स. ठीक है ना, उन्होंने शेयर सब्सक्राइब किए और अपने शेयर्स में 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से जितने भी शेयर्स उन्होंने सब्सक्राइब किए हैं उनमें पैसा उन्होंने दे दिया है. अनकॉल्ड कैपिटल, अनकॉल्ड कैपिटल मीन्स दैट अमाउंट कंपनी हैज नॉट कॉल्ड येट. मीन्स सपोज दैट हमने कहा था कि हमारा फेस वैल्यू कितनी है, 10 रुपीज़ है, बट कंपनी ने सिर्फ कितने रुपए मांगे, 5 रुपए मांगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन. ठीक है नहीं, तो एप्लीकेशन के टाइम उसने 5 ही रुपये मांग रखे हैं, तो अनकॉल्ड कैपिटल कितनी है, 5 रुपीज़. 5 रुपीज़ कंपनी को जब जरूरत होगी इन फ्यूचर, देन दैट अमाउंट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल. वो अनकॉल्ड कैपिटल ही क्या है, दैट अमाउंट इज कॉल्ड अनकॉल्ड कैपिटल. लास्ट वन इज योर रिजर्व कैपिटल. हम कैपिटल अपने वाइंडिंग अप के लिए, जब कंपनी इन फ्यूचर इन केस अपना क्या हो जाती है, अगर वाइंड अप हो जाती है इन केस या बैंकरप्ट हो जाती है, तो सच सच अमाउंट कुछ अमाउंट अपने शेयर होल्डर का जो फेस वैल्यू है, सपोज दैट वो 9 रुपीज़ है, 1 रुपीज़ अपने के लिए क्या बता रही है, रिजर्व कैपिटल मंगा रही है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. अगर इन केस अगर कंपनी कभी इन फ्यूचर बंद हो जाती है, तो एट द टाइम ऑफ अवर वाइंडिंग अप कंपनी कॉल्ड दैट कैपिटल. दैट कैपिटल इज कॉल्ड रिजर्व कैपिटल. दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर. थैंक यू.